कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, फैज मेला होता है, वहाँ पर चंद स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पर एक खातून जैकेट पहने हुए, सुर्ख कलर का कपड़ा पहने हुए, हाथ में लड़कों ने ढोलकी सी एक पकड़ी हुई है और वो नारे लगा रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं बड़ा परेशान हूँ, कौन है आप, कहाँ से आई हैं, ये क्या फीलिंग्स थी, किस एलीट क्लास से आपका ताल्लुक है, किस अमीर घराने से आपका ताल्लुक है, करती क्या हैं आप, कहाँ रहती हैं और ये क्या था सारा कुछ? मेरा और हमारे ग्रुप में भी जो तमाम साथी मौजूद हैं उनका भी पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है उसका हाल जैसा होता है, तो वैसा ही मेरे स्टूडेंट लाइफ में हाल था। 3,000 महाना किराया मिलता था जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर लड़कियाँ। यूनियंस की भी हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर हम तंजीमी लेवल पे भी देखते हैं कि जब हम अपना तंजीम का काम भी करने की कोशिश करते हैं उसमें भी लड़कियों को मसाइल होते हैं, क्योंकि अलहदा से ट्रांसपोर्ट के लिए आना पड़ता है, अगर खर्चा नहीं है या फिर कोई छोड़ने वाला नहीं है तो नहीं हो सकता, तो ये तो गुजार ली ना वो जिंदगी। गाड़ियां, मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन की, अब शायद आप मास्टर्स कर रही हैं? नहीं, मैं मास्टर्स नहीं कर रही, मैं स्कूल मदरसा तो बनाते हैं, मेरा पंजाब कॉलेज मेरा कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है, बीच में मेरी स्कॉलरशिप्स लगी हैं दो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से मीडिया स्टडीज पढ़ रही हैं, मीडिया स्टडीज पढ़ रही थी मैं जी। अब छोड़ दिए जी, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हुई हूँ ना, मैं तो टीचिंग कर रही थी साल की वजह से, तो मुझे पता था कि हम लोगों ने नारे लगाने, हमने पैम्फलेटरिंग करनी है या हमने इस तरह के, तो वो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास रोज़ इस तरह तैयार होने का, तो वो इसलिए था कि हम दोस्तों से मिल रहे थे, हमें पता था, हमें हमारे पास देखे ना स्पेस ही कोई नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में हम मिल नहीं सकते इस तरह से। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से खुद हूँ, हम बाहर निकलते थे दोस्त के साथ बैठे हैं, कोई इस तरह का हिसाब है, स्पोर्ट्स डे अलहदा अलहदा हो रहा है, जमीयत आके स्त्रियाँ लगा देगी, अब वो इस तरह करती है कि नहीं, देखे ना जमीयत को भी ज़रूरत है फिर यूनियंस की, इसका मतलब है कि वॉयलेंस का नैरेटिव जो फैला हुआ है बीच में, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं टीवी पे आके कि जमीयत जो है वो भी खुद चाह रही है यूनियंस की और वो नॉन वायलेंट चाह रही है, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी का सारा जो फैक्शन है वो चाहता है कि यूनियंस बहाल हों, ताकि ये जो अजीबो गरीब सी सूरत हाल फैली हुई है ना जिसमें पॉलिटिकली वो इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें, वो इस तरह से इस्तेमाल, हमारे पर भी दहशत है जमीयत की, और जमीयत वाले जब बात करते हैं टीवी पे आके तो समझ आती है कि उनकी बात भी कोई मुख्तलिफ तो नहीं है यूनियंस की बहाली की, जहाँ तक वायलेंस की बात है, जहाँ तक हम देखें हर किसी को अपनी बात करने का हक होना चाहिए ना, तो वो भी अपनी बात को बात के तरीके से करें, ये जो हमें तशद्दुद के केसेस मिलते हैं इनको खत्म करें, और वो कैसे खत्म होंगे, वो जमीयत के भी खत्म होंगे, होने पड़ेंगे। आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं कि यार हाँ इसका स्कूल ऑफ थॉट या इसका मैनिफेस्टो ठीक है, बेहतर है? नहीं, कोई नहीं है। थैंक यू।